टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने कहा कि भारत ने 2011 वर्ल्ड कप ग्रेग चैपल की वजह से जीता था। बता दें कि ग्रेग चैपल साल 2005 से साल 2007 तक टीम इंडिया के कोच रह चुके हैं, जिन्हें सौरव गांगुली के साथ विवादों की वजह से जाना जाता है। वर्ल्ड कप 2007 में भारत के ग्रुप स्टेज से ही बाहर होने के बाद ग्रेग चैपल को कोच पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सुरेश रैना ने अपनी किताब में बताया है कि भारतीय टीम ने ग्रेग चैपल की वजह से बड़े बड़े टोटल चेज करना सीखा और टीम इंडिया ने मैच जीतना सीखा। सुरेश रैना ने अपनी किताब में बताया कि ग्रेग चैपल ने टीम इंडिया पर जो मेहनत की उस वजह से भारत 2011 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो पाया। सुरेश रैना ने कहा कि मेरे मुताबिक ग्रेग चैपल को भारतीय टीम के खिलाड़ियों की दशा बदलने के लिए ज्यादा से ज्यादा श्रेय देना चाहिए। मैंने ग्रेग चैपल से बहुत कुछ सीखा है। सुरेश रैना ने आगे कहा, अगर हम उनके साथ जुड़े विवाद को अलग करके सोचें, तो उन्होंने टीम इंडिया को बड़े बड़े टोटल चेस करना सिखाया और जीतना भी। सुरेश रैना के अलावा एमएस धोनी, युवराज सिंह और गौतम गंभीर जैसे दिग्गज खिलाड़ी ग्रेग चैपल की कोचिंग में खेल चुके हैं। सुरेश रैना ने कहा कि ग्रेग चैपल के कोच रहते हम अच्छा खेल रहे थे, लेकिन मुझे याद है उन्होंने रन चेस को लेकर कई बार मीटिंग की थी। इसका श्रेय ग्रेग चैपल और राहुल द्रविड़ दोनों को जाना चाहिए। उस दौरान मुझे युवराज सिंह और एमएस धोनी को बल्लेबाजी क्रम फिक्स किया हुआ था और हमने उस दौरान लक्ष्य का पीछा करना और जीतने का दबाव सीखा था। दोस्तों, इसी तरह की और क्रिकेट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल में ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें।